Hello students, today I am going to explain practical example, solve practical example number 12 of chapter number 5. आज मैं chapter number 5 का solve practical example number 12, ठीक है? Practical example number कौन सा है? 12, explain करने जा रहा हूँ. आज की date है 27, ठीक है? Explain करने जा रहा हूँ. मैंने previous videos में भी practical examples को एक्सप्लेन किया था चैप्टर नंबर 5 के. चैप्टर नंबर 5 में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए हैं जिनको एक्सप्लेन करना जरूरी है, ठीक है? आज देखते हैं चैप्टर पेज नंबर 170 में. पेज नंबर 170 में दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 12, ठीक है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एग्जांपल नंबर 12? राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड लोवेस्ट एंड सेकेंड लोवेस्ट नंबर फ्रॉम द 10 नंबर्स, ठीक है? इसका जो पर्पस है, आपको कोई भी 10 नंबर इनपुट करना है, उसमें सबसे जो लोवेस्ट नंबर है उसको और सेकंड लोवेस्ट नंबर या फिर कहें तो जो दूसरा लोवेस्ट नंबर है उसको फाइंड करना है. तो मैं आपको 10 नंबर्स का कंपैरिजन करके नहीं दिखाऊंगा, 5 नंबर्स के बीच कंपेयर करके बताऊंगा कि कैसे सेकंड लोवेस्ट और लोवेस्ट नंबर को फाइंड किया जा सकता है, ठीक है? क्योंकि 10 नंबर थोड़ा एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, 5 नंबर में इसको सॉल्व करके बताते हैं, ठीक? कोड मैं बहुत कम लिखूंगा, इसका लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा. कोड आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, दो वेरिएबल ले लिया है कोड में, स्मॉल और स्मॉलर इक्वल टू जीरो, ठीक है? स्मॉल और स्मॉलर इक्वल टू जीरो, ठीक है? दो वेरिएबल ले लिया, उसकी वैल्यू इन्होंने जीरो असाइन कर दी, ठीक है? फिर उसके बाद लूप चलाया है, ठीक है? आई का लूप चलेगा रेंज 10 तक का, मैं 5 तक का लेके चलता हूँ. तो लूप कैसा है आपका, फॉर I in range 5, ठीक? इन्होंने रेंज 10 दिया, मैं रेंज 5 लेके चलूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, 0, 1, 2, 3, ठीक है? 4 तक का हमारा लूप चलेगा. आपको पता है अगर मैं 5 रेंज 5 लेके चलता हूँ तो 5-1 क्या हो जाता है, 4, ठीक है? तो ये हमारा लूप 4 तक का चलेगा, ओके? ध्यान रखना, मैं इसका मत ये जो लिस्ट जो जनरेट हो रही है, मैं रेंज 5 तक का लेके चल रहा हूँ, रेंज 5, ठीक है? मतलब 5 नंबर्स का ही मैं 5 नंबर्स में ही स्मॉलेस्ट लोवेस्ट और सेकंड लोवेस्ट नंबर को फाइंड करूंगा, ठीक है? अब नेक्स्ट जो है हमारा n एक वेरिएबल है जो क्या करेगा, नंबर्स को इनपुट लेगा, ठीक है? तो ये जो कोड है, ये जो इतना कोड है, ये दो लाइन का जो कोड है, ये 5 नंबर्स को इनपुट लेने का काम करेगा. तो n में 1 by 1 हम नंबर्स को इनपुट करेंगे, ठीक है? अभी सपोज मैं आपके सामने जो नंबर इनपुट करूंगा, वो कौन कौन से नंबर इनपुट करूंगा, 5, 3, 1, 6, 2, ठीक है? ये 5 नंबर में इनपुट करूंगा, ठीक है? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 5 को इनपुट करता हूँ, ठीक है? 5 को इनपुट करता हूँ. अब ये लूप कैसे वर्क करेगा, आई की इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, 0. आई की इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, 0. तो क्या चेक करेगा, 0 इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है क्या, हाँ 0 एग्जिस्ट इन दिस लिस्ट, ठीक, कंडीशन ट्रू. अब नेक्स्ट लाइन ये एग्जीक्यूट होगी, कौन सी, जिसमें एन इनपुट होगा. अभी मैंने एन की वैल्यू सपोज इनपुट की है 5, ठीक है? ये नंबर मैं इनपुट कर रहा हूँ, एन की वैल्यू मैंने इनपुट की 5, तो क्या होगा, उसके नीचे कंडीशन दी गई, इफ आई इक्वल टू 0, अगर आई इक्वल टू 0 हुआ तो क्या होगा, ठीक? अभी आई की वैल्यू क्या है, 0 ही है, ठीक है? तो क्या होगा, स्मॉल में, स्मॉल नाम के वेरिएबल में क्या साइन हो जाएगा, एन की वैल्यू 5, ठीक है? स्मॉल नाम की वेरिएबल में साइन हो जाएगा 5, ठीक है? ओके, आई की प्रेजेंट वैल्यू 0 थी, इसलिए स्मॉल में क्या आ गया, 5 आ गया, मतलब एन की इनिशियल वैल्यू आ जाएगी. इसके बाद उसी में कंडीशन दी गई है आई इक्वल टू 1, जो एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि अभी प्रेजेंट कंडीशन में क्या है, आई इक्वल टू 0 ही है, ठीक है? I equal to 0 ये लूप, उसके नीचे else part वो भी execute नहीं होगा, ठीक है? और जो लूप की जो बॉडी है, वो पूरी कंडीशंस तक का है, ठीक? अब नेक्स्ट क्या होगा, I में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. चेक करेगा क्या 1 इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है क्या, हाँ एग्जिस्ट करता है. फिर से n की वैल्यू इनपुट होगी, अब n की वैल्यू में क्या इनपुट कर रहा हूँ, 3, ठीक है? n की क्या वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ, 3. n की वैल्यू मैं इनपुट कर रहा हूँ 3, ठीक? अब यहाँ पर क्या है, i की वैल्यू क्या है, 1. तो जब i की वैल्यू 1 होगी,
तो क्या होगा, उसमें चेक करेगा, उसमें कंडीशन और दी गई है, n इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल, स्मॉल की वैल्यू क्या है 5 और अभी n की वैल्यू क्या है बताओ 3, तो क्या 3 छोटा है स्मॉल से, स्मॉल की वैल्यू क्या है 5, पहले असाइन हो चुकी है, हाँ कंडीशन वहां पे ट्रू हो रही है, तो क्या करेगा स्मॉलर नाम के वेरिएबल में, स्मॉलर नाम का जो वेरिएबल है उसमें क्या करेगा n को असाइन कर देगा, n को असाइन करना मतलब n की वैल्यू इस समय क्या है 3, तो स्मॉलर में क्या आ गया 3 आ गया, ठीक क्लियर है ये, ठीक नीचे वाला else part execute नहीं हुआ क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब जब i की वैल्यू 2 होगी, ठीक है i की वैल्यू जब अभी 1 आया 1 हो गया, अब i की वैल्यू 2 होगी, चेक करके 2 इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, हाँ एग्जिस्ट करता है, फिर से n की वैल्यू इनपुट होगी, अब मैं n की वैल्यू में क्या इनपुट कर देता हूँ 1, n की वैल्यू में इनपुट कर देता हूँ 1, मैंने 1 इनपुट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा i की वैल्यू अगेन चेक होगी, इफ i इक्वल टू 0 नहीं, क्योंकि i की प्रेजेंट वैल्यू क्या है अभी 2 है, अगेन फिर चेक होगी i इक्वल टू 1 नहीं, वो भी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि i की प्रेजेंट वैल्यू 2 है, else पार्ट में आएगा उसमें कंडीशन चेक होगी, ठीक है जब i इक्वल टू 2 पे हम चेक करेंगे, else पार्ट में आएगा वहां पे क्या चेक होगा इफ n लेस देन स्मॉलर, ठीक है अब चेक करना n की वैल्यू इस समय मैंने क्या इनपुट की है 1, ठीक है तो क्या चेक होगा उस कंडीशन को, मैं यहां पर एक कर्ली ब्रेसेस लगा के लिख देता हूं, ठीक है क्या चेक होगा n लेस देन स्मॉलर, स्मॉलर की वैल्यू क्या है 3 और अभी n की वैल्यू क्या है, क्या कंडीशन है, ये कंडीशन लिखी हुई है n लेस देन स्मॉलर, ठीक है n की वैल्यू क्या है इस समय 1 करंट वैल्यू और स्मॉलर की वैल्यू क्या है 3, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है 1 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू, ठीक। अब क्या होगा इसके अंदर जो कंडीशन लिखी स्मॉल में क्या वैल्यू आ जाएगी, स्मॉलर की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉलर की वैल्यू क्या है बताओ 3 है, तो स्मॉल में क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है ठीक है। अब स्मॉलर में क्या आ जाएगा 1, स्मॉलर में क्या आ जाएगा 1, ठीक है n की वैल्यू इस समय करंट मैंने 1 इनपुट की है, स्मॉलर की वैल्यू 3 जो पहले असाइन हो चुकी है वो मैच होगी, ठीक है कंडीशन यहां पर ट्रू हुई, तो स्मॉल में क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है स्मॉल में 3 क्यों आएगा क्योंकि स्मॉल में हमको क्या लाना है स्मॉलर की वैल्यू, तो स्मॉलर की वैल्यू क्या है 3 और स्मॉलर में क्या आ जाएगा n, n की वैल्यू इसमें मैंने इनपुट की है, ओके ठीक ये कंडीशन यहां पर एग्जीक्यूट होती है, अगेन 3 आएगा, i की वैल्यू क्या होगी 3, 3 एग्जिस्ट करता है इन लिस्ट में, अब मैं क्या इनपुट करूंगा 6, ठीक। अब देखते हैं i इक्वल टू 3 पे क्या होगा, i इक्वल टू 3 की कंडीशन में i इक्वल टू 0 एग्जीक्यूट नहीं होगा, i इक्वल टू 1 भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, else पार्ट में आएगा वहां पर चेक करेगा, ठीक है वहां पे क्या चेक करेगा, फिर से कंडीशन मैच होगी n स्मॉलर देन l सॉरी n इज लेस देन स्मॉलर, ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है यहां पे क्या चेक होगा कि n की प्रेजेंट वैल्यू इस समय क्या है, मैं चेंज करना भूल गया, मैं n की प्रेजेंट वैल्यू क्या मैंने इनपुट की है 6, ठीक है n की प्रेजेंट वैल्यू मैंने 6 इनपुट की, तो यहां पे मैंने लिखा 6, ठीक है। अब लेस देन स्मॉलर, स्मॉलर की वैल्यू क्या है 1, देखो यहां पर चेंज हो चुकी थी, ठीक है तो क्या ये कंडीशन ट्रू है 6 इज लेस देन, 6 इज नॉट लेस देन 1, मतलब 6 1 से छोटा नहीं है, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके नीचे एक और कंडीशन लिखी है if n is smaller than n small is less than small, ठीक है इसके नीचे एक और कंडीशन लिखी है, उसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूं जो else पार्ट में लिखा हुआ है n less than small, ठीक इस कंडीशन को हम लोग इवैल्यूएट कर लेते हैं, देखते क्या होता है, n की प्रेजेंट वैल्यू क्या है 6 और small की प्रेजेंट वैल्यू क्या है 3, तो यहां पर ये भी ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, ठीक तो कुछ भी वर्क नहीं होगा, कोई भी इंटरचेंज वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट 4 पे काम होगा, आई की वैल्यू 4, अब देखते हैं आई जब 4 होगा तो क्या कंडीशन वर्क करती है, ठीक है। अब मैं लास्ट इनपुट करूंगा 2 को, ठीक है अब n की वैल्यू मैंने क्या इनपुट की है करंटली 2, n की वैल्यू इनपुट की मैंने 2, ठीक है देखते हैं इस केस में क्या होता है, इसमें भी लास्ट पार्ट में आएगा कंडीशन, अब यही वाली इवैल्यूएट होगी, फिर से मैं लिख देता हूँ यही वाली फिर से चेक होगा,
n less than smaller. अब यहाँ पर प्रेजेंट n की वैल्यू क्या है? 2. What is the present last value of smaller? Smaller की वैल्यू 1 ही है last value. ठीक, तो यहाँ पर भी कुछ कोई कंडीशन वर्क नहीं होगी. ठीक है, यहाँ पर भी कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. ठीक है, else part में आएगा. ठीक है, क्योंकि 2 is not less than 1, तो 1 से 2 एक से छोटा नहीं है, तो लास्ट पार्ट में आएगा. n की लास्ट वैल्यू देखी जाएगी. ठीक है, जो लास्ट कंडीशन है मतलब ये वाली कंडीशन फिर से एग्जीक्यूट होगी. तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है लास्ट बताओ. n की लास्ट वैल्यू है प्रेजेंट 2 है. ठीक है, और लास्ट वैल्यू क्या है स्मॉल की, स्मॉल की लास्ट वैल्यू यहाँ पर स्मॉल की लास्ट वैल्यू है ये देखो 3. ठीक है, 3 है स्मॉल की वैल्यू, तो यहाँ पर चेक होगा. तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, 2 इज लेस देन 3. तो अब क्या होगा, स्मॉल में क्या साइन हो जाएगा, एस की वैल्यू. स्मॉल जो वेरिएबल है उसमें क्या असाइन हो जाएगा, एन की प्रेजेंट वैल्यू. एन की प्रेजेंट वैल्यू इस समय 2 है, तो स्मॉल में क्या आ गया, 2. ठीक, अब इसके बाद देखो यहाँ पे लिस्ट खत्म हो गई, एंड हो गई. तो अब कोई भी इनपुट नहीं होगा, 5 नंबर मैंने इनपुट कर दिए. तो जो भी कैलकुलेशन था वो हो चुका है, फाइनल डन हो चुका है. स्मॉल की प्रेजेंट वैल्यू 2 है, स्मॉलर की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 1. ठीक है, स्मॉलर की प्रेजेंट वैल्यू 1 है, कोई चेंज नहीं हुआ है. ठीक, इस टाइप से अब जब हम प्रिंट करेंगे तो स्मॉल की जो हमारा लोवेस्ट नंबर इज स्मॉलर, मतलब ये हो जाएगा हमारा लोवेस्ट नंबर. ठीक है, और सेकंड लोवेस्ट जो स्मॉल की वैल्यू है ये है हमारा लोवेस्ट, ये हमारा लोवेस्ट नंबर हो गया. ठीक है, सेकंड लोवेस्ट नंबर. ठीक है, ये सबसे लोवेस्ट नंबर और ये हो गया हमारा सेकेंड लोवेस्ट नंबर, मतलब जो है 2. और ये इस प्रोग्राम का जो इवेल्युएशन था, जो कैलकुलेशन था, इस लॉजिक पे वर्क करता है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक. ठीक है, आपको समझ आया होगा. और कोई अगर डाउट हो तो आप उसे पर्सनली कमेंट करके पूछ सकते हैं. ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने इसमें से करा दिए हैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में. एक और एग्जांपल देखते हैं पैटर्न का, कि लूप के थ्रू हम लोग पर्टिकुलर पैटर्न कैसे प्रिंट कर सकते हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो. चलिए, एक पैटर्न है आपकी बुक में दिया हुआ है, ये है प्रोग्राम नंबर 34. प्रोग्राम नंबर है 34 और पेज नंबर है 174. पेज नंबर है 174. ठीक है, चलिए देखते हैं ये कैसे वर्क करेगा. इसमें जो पैटर्न दिया है मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको. ठीक है, मैं इसके कोड को एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, पहला जो वेरिएबल है वो है रोज. रोज नाम का वेरिएबल है जिसमें मैंने साइन किया 5. ठीक है, अब मैं लूप चला रहा हूँ. ठीक है, लूप है हमारा फॉर नम की जो वैल्यू है. अच्छा, नम एक वेरिएबल मैंने लिया है num. ठीक, फिर इन रेंज, रेंज जो है 1 से स्टार्ट होगी, रोज प्लस 1. ठीक है, 1 से स्टार्ट होगी, रोज प्लस 1. ठीक है, कैसे वर्क करेगा ये. ठीक है, इसके अंदर एक और लूप है. ठीक है, पहले इस लाइन को समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या होगा. ये जो लाइन है इसका मतलब क्या होगा, इस लाइन का मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कमेंट में लिख देता हूँ इस प्रकार से. फॉर नम इन, ये जो रेंज स्टार्ट होगी, ठीक है, इसका मतलब, ये जो रेंज है इसका मतलब मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ रेंज 1 से स्टार्ट होगी, रोज की वैल्यू क्या है, 5. 5 प्लस 1 कितना होता है, 6. तो ये जो हमारा रेंज फंक्शन है 1 से 6 तक वर्क करेगा. 1 से 6 तक वर्क करने का मतलब ये होता है अपर लिमिट क्या है, 6. 6 माइनस 1 क्या होगा, 5. तो हमारी जो लिस्ट होगी 1 से लेकर 5 तक का वर्क करेगी. ठीक, इस तरह से वर्क करेगी. अब इसके नीचे एक और लूप दिया हुआ है. ठीक है, वो वर्क करेगा, आई एक वेरिएबल दिया, आई इन रेंज
उसमें नम असाइन कर दिया गया, ठीक है, नम जो भी प्रेजेंट वैल्यू रहेगी नम की उससे वो वर्क करेगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। अब इसके नीचे एक स्टेटमेंट है प्रिंट की, ठीक है, प्रिंट में क्या हो रहा है, उस नम को प्रिंट किया जा रहा है, प्रिंट में क्या हो रहा है, उस नम को प्रिंट किया जा रहा है, एन यू एम फिर एंड स्पेस तक आ जा रहा, फिर लास्ट में एक और प्रिंट है, वो किस लिए है, नेक्स्ट लाइन, एक न्यू लाइन अटैच करने के लिए, ठीक। अब इस कोड को समझते हैं। फर्स्ट नम में क्या आ जाएगा, नम की वैल्यू क्या होगी, वन होगी, ठीक है, ये नम की वैल्यू वन होगी, देखते हैं, क्योंकि वन से स्टार्ट हो रहा है तो नम में क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक। फिर अब क्या होगा, आई एक वेरिएबल है और यहां पर नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, ठीक है, तो वन होगा और ये वन होगा तो ये आई को भी इनिशियलाइज करेगा, अभी वन से वन मतलब लूप नहीं चलेगा, ठीक है, लूप नहीं चलेगा, ओके, ठीक है, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। फिर ये लूप यहां पर ये वर्क नहीं करेगा, नेक्स्ट लाइन करके नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला जो होगा टू, नम में क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। अब फिर से जब टू आएगा तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी, ठीक है, ये वन हट जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नम जब टू होगा तो क्या होगा, नम टू होगा तो क्या होगा, इस रेंज नम टू का मतलब क्या होगा, रेंज नम टू का मतलब लिस्ट कैसी बनेगी, वन और टू की बनेगी, ठीक है, जिसमें टू माइनस वन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो ये हमारा जो सिर्फ जो लिस्ट चलेगी सिर्फ वन टाइम चलेगी, ठीक है, क्योंकि टू लिखा है तो टू माइनस वन कितना होता है, वन, तो ये लिस्ट सिर्फ वन की बनेगी, तो अब वन से वन मैच करेगा और एक बार नम प्रिंट होगा, तो क्या प्रिंट होगा, आउटपुट में वन प्रिंट होगा, ठीक है। और उसके बाद ये लूप बंद हो जाएगा क्योंकि इस लिस्ट में एक ही मेंबर है, सिर्फ वन ही है, ठीक, तो ये लूप बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, अगली वैल्यू थ्री एग्जीक्यूट होगा, नम में थ्री आ जाएगा तो यहाँ पर टू की जगह क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, तो ये थ्री माइनस वन कितना होता है, टू। अब जो हमारी लिस्ट वन करेगी, वन और टू, आई में प्रेजेंट वैल्यू किसकी आ जाएगी, वन की, तो क्या प्रिंट होगा, वन। फिर उसके बाद अगला क्या है, टू, फिर टू से टू मैच होगा तो वन और टू प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो लूप है ये दो बार वर्क करेगा, ठीक। अब जब नम की वैल्यू थ्री होगी, ये लूप कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद जो आउटर लूप है, मतलब ये वाला जो लूप है, ठीक है, उसकी वैल्यू थ्री हुई, ठीक है, सॉरी फोर होगी ना, फोर, तो फोर फोर वही है, ठीक है। चलिए अब नीचे आएगा ये वाली लाइन में, अब ये फोर, फोर माइनस वन कितना होता है, थ्री, तो थ्री तक का हमारा लूप चलेगा, तो क्या प्रिंट करेगा, वन टू थ्री, ठीक है, सॉरी वन टू थ्री नहीं प्रिंट करेगा, नम को ही वो बार बार रिपीट करेगा, नम की वैल्यू को ही वो रिपीट करेगा, तो जो हमारा आउटपुट होगा थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पर आउटपुट होगा वो नम की ही वैल्यू को बार बार रिपीट करेगा, जो भी प्रेजेंट वैल्यू रहेगी, वन डबल टू ट्रिपल थ्री, डबल टू ट्रिपल थ्री, ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या होगा, फाइव होगा, तो फाइव होगा तो फाइव माइनस वन कितना होता है, फोर, तो हमारा जो लिस्ट है टाइम वर्क करेगा, तो इस टाइप से आपका ये आउटपुट प्रिंट होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे जो भी सॉल्व एग्जाम प्रोग्राम्स के एग्जांपल्स थे वो एंड होते हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स प्रैक्टिकल लैब के थ्रू मैंने इसमें बताए हैं, ठीक है, कई एक्सप्लेन किए हैं, आप इनको बना के देखिए, कहीं अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। और अब ये चैप्टर फाइव का जो भी प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन था वो एंड होता है इस यहाँ पर, ठीक है। चैप्टर फाइव के एंड में पेज नंबर 177 में प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपको उसको प्रैक्टिकली कंप्लीट करना है और प्रोग्राम को कंप्लीट करना है, मुझे सेंड करना है। आप लोगों ने चैप्टर फोर का भी अभी तक सेंड नहीं किया है मुझे होमवर्क, आप उसको सेंड कीजिए मुझे, ठीक है। आप एक एमएस वर्ड की फाइल में उस कोड का उस क्वेश्चन को लिखिए जो होमवर्क मैंने दिया, उसका कोड मुझे उसमें वर्ड की फाइल में पेस्ट करके आप मुझे सेंड कीजिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी है, ठीक है। तो उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट दूंगा आपको, जैन के एंड में आपको दूंगा मैं, जिसको आपको उस कोड को आपको उसको फाइल में लिखना है, ठीक है।
चैप्टर 5 का आपको होमवर्क मिल जाएगा, जो भी पेज नंबर 177 में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, ठीक है, जो पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, वो आपको कंप्लीट करना है। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।